नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों से सजा हमारा ये बुलेटिन। सबसे पहले हेडलाइंस। कर्ज लेना हो सकता है महंगा, आरबीआई ने मौद्रिक नीति में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में की 4/4% की बढ़ोतरी। केंद्रीय बैंक ने 4.5 साल में पहली बार बढ़ाई ब्याज दरें। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान 7.4% पर बरकरार। गन्ना किसानों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। केंद्रीय कैबिनेट ने चीनी मिलों पर किसानों का बकाया कम करने के लिए मंजूर की 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता। 29 रुपए प्रति किलो से कम पर चीनी नहीं बेच सकेंगी मिलें। प्रवर्तन निदेशालय के बाद आज सीबीआई के सामने पेश हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम। आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश में कथित धांधली को लेकर पूछे गए सवाल। एयरसेल मैक्सिस मामले में 12 जून को पूछताछ के लिए फिर ईडी का समन। कर्नाटक में कुमारस्वामी कैबिनेट का विस्तार। 25 मंत्रियों ने ली शपथ। कांग्रेस से 14 और जेडीएस से बने 9 मंत्री। बीएसपी विधायक एन महेश भी मंत्रिमंडल में शामिल। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचे नागपुर। संघ शिक्षा वर्ग के तृतीय वर्ष के समापन कार्यक्रम को गुरुवार को करेंगे संबोधित। मीडिया से लेकर सभी वर्गों में भाषण को लेकर उत्सुकता। आरबीआई ने मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने 4.5 साल में पहली बार नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 4/4% की बढ़ोतरी से कर्ज महंगा हो सकता है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी क्रेडिट पॉलिसी में नीतिगत करते हुए रेपो रेट 0.25% बढ़ाकर 6.25% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट में भी 0.25% का इजाफा किया गया है और ये बढ़कर 6% पर आ गया है। सीआरआर बिना किसी बदलाव के 4% पर ही कायम है। आपको बता दें कि रेपो दर वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक बहुत ही थोड़े समय के लिए बैंकों को कर्ज देता है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट वो है जिस पर बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि बैंकों को अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है और इसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई में 3 दिनों तक चली बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। इन्फ्लेशन प्रेशर्स हैव इमर्ज्ड इन सम की एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज driven in part by rising commodity prices, especially those of crude oil and petroleum. Financial markets have been driven mainly by monetary policy expectations and geopolitical developments. ब्याज दरों को लेकर आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 4 जून से शुरू हुई थी। इसमें पॉलिसी रेट तय करने के लिए खास तौर पर महंगाई और क्रूड की कीमतों पर नजर रखी गई थी और इसी के आधार पर सभी 6 MPC सदस्यों ने दर बढ़ाने के पक्ष में वोट किया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019 का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.4% पर बरकरार रखा है। आरबीआई के इस फैसले का असर शेयर बाजार में देखने को मिला। As per the industry sectors are concerned, despite the low interest rates, have not been able to make use of the opportunity because the capacity utilization has been still at a very, very nearly around 60-65%, and that gives a huge room for further giving a push to the demand. आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को स्वेच्छा के आधार पर लघु वित्तीय बैंक का दर्जा देने का फैसला किया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश से बिल्डरों से घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें कर्जदाता बैंक और वित्तीय संस्थानों के बराबर माना जाएगा और वो दोषी बिल्डरों से तेजी से अपना पैसा वापस ले सकेंगे। साथ ही मध्यम, छोटे और लघु उद्योगों यानी एसएमई सेक्टर को भी राहत मिलेगी। इससे कर्ज नहीं चुकाने वाली
कंपनी का प्रमोटर भी कर समाधान प्रक्रिया के तहत अपने व्यापार के लिए बोली लगा सकेगा। इसमें शर्त यही है कि वो जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने का आरोपी नहीं हो। गन्ना किसानों और चीनी मिलों के लिए सरकार की ओर से अच्छी खबर आई है। कैबिनेट ने 8000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 5 करोड़ किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। वहीं सरकार इथेनॉल ब्लीडिंग के लिए 4440 करोड़ रुपए देगी। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया कम करने के लिए सरकार ने 8000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए मंजूरी दी गई। चीनी मिलों पर इस वक्त गन्ना किसानों का करीब 22000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी बाकी है और चीनी रखने के एवज में भारत सरकार जो है चीनी मिल को 1150 करोड़ रुपया एक साल में देगी। 1175 करोड़ रुपीज तो वो देगी। और उसके बाद दूसरा ये निर्णय लिया गया कि चीनी का जो न्यूनतम मिनिमम क्या कहते हैं कि जो प्राइस होगा वो एक मिल प्राइस जो है वो तय किया गया है, मिनिमम वो है 29 रुपया है। साल 2017-18 में अब तक 3.16 करोड़ टन से अधिक रिकॉर्ड चीनी उत्पादन होने के बाद चीनी की कीमतों में तेज गिरावट की वजह से मिलों की वित्तीय हालत खराब हुई है, जिसके कारण इस राहत पैकेज को तैयार किया गया है। इस पैकेज में 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाना, नई इथेनॉल क्षमता के विस्तार और निर्माण के लिए चीनी मिलों के 4500 करोड़ रुपए के ऋण पर ब्याज सब्सिडी देना शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट ने स्पेस विज्ञान के लिए GSLV को 4300 करोड़ रुपए की राशि और इसको आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। PSLV कार्यक्रम के लिए 6673 करोड़ की राशि को मंजूरी भी दी गई है। प्राइवेट भागीदारी का भी प्रयोग आरंभ किया गया है, ऑफ द प्राइवेट पार्टिसिपेशन विच वॉज नॉट बीइंग कंसिडर्ड अर्लियर। और GSLV मार्क 3 2017 में 5 जून को एक लॉन्च हुआ था, 18 को 2014 में, और इसको चूंकि आगे बढ़ाने के लिए राशि निर्धारित करनी अनिवार्य थी, आज कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त PSLV का हमारा पहले से ही एक कार्यक्रम चल रहा है जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है, उसमें अब तक लगभग 43 हमारी लॉन्चिंग्स हो चुकी हैं। उसके लिए भी GSLV के अतिरिक्त उसके लिए अलग से 6573 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। साथ ही कैबिनेट ने देश के करीब 2,60,000 डाक सेवकों का वेतन और भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। डाक सेवकों की तनख्वाह में 56% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई है। डाक सेवकों को 1 जनवरी 2016 से एरियर भी दिया जाएगा। अरविंद सिंह चौरान, राज्यसभा TV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप के लिए पर्याप्त पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है और नियमों को आसान बनाया गया है। इससे ट्रेडमार्क और पेटेंट रजिस्ट्रेशन में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। देश में फिलहाल 6,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्टार्टअप और इनोवेशन से जुड़े युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि आज स्टार्टअप बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच गए हैं। पहले स्टार्टअप को महज डिजिटल और तकनीक से जुड़ा माना जाता था, लेकिन अब कृषि और सामाजिक क्षेत्रों में भी स्टार्टअप आकार ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सब वजहों से भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में अलग स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए रकम की कमी नहीं होने दी जाएगी। कार्यक्रम के तहत ये सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स, निधियों का कोष स्थापित किया है। अब तक इसके तहत करीब करीब 1200-1300 करोड़ रुपए की राशि की कमिटमेंट वेंचर कैपिटल फंड से को दी गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 419 जिलों में स्टार्टअप उद्यमी हैं। इनमें से 44% मझोले और छोटे शहरों में हैं। इनके अलावा 45% स्टार्टअप महिलाओं ने शुरू किए हैं। वहीं ट्रेडमार्क के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या 74 से घटाकर 8 कर दी गई है। इससे पिछले 3 साल में ट्रेडमार्क के लिए आवेदन की संख्या 68,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख से अधिक हो गई है। वहीं पेटेंट रजिस्ट्रेशन भी 4,000 से बढ़कर 11,500 से ज्यादा हो गया है। साथ ही टैक्स में छूट और कानूनी सलाह जैसी दूसरी सहूलियतें दी जा रही हैं। स्टार्टअप्स को मुफ्त लीगल हेल्प के लिए फैसिलिटेटर्स नामित किए गए हैं। इस स्कीम के कारण पेटेंट प्राप्त करने में लगने वाले समय में बहुत कमी आई है। इस मौके पर स्टार्टअप और इनोवेशन से जुड़े युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुभव भी साझा किए। तो हमने विश्व में पहली बार और वो भी भारत में एक ऐसा मशीन बनाया है जो मिक्स्ड वेस्ट ले सकता है। तो दिस मशीन कैन ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट दैट मिक्स्ड वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू एन एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आप मैन्योर कॉम्पोस्ट बायोगैस बना सकते हो और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आप तो पता है रिसाइकलिंग कर सकते हो। हमारा स्टार्टअप फार्मर से एग्रो वेस्ट खरीदता है और एक नई टेक्नोलॉजी से एंजाइम प्रोडक्शन करता है। वो हम पोल्ट्री कैटल और फिशरीज फीड में सप्लीमेंट करते हैं जिससे ना ही उनका फीड सस्ता होता है बल्कि प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। We are optimizing Indian agriculture supply chain of fruits and vegetables using research, analytics and technology. So we have a mobile app in Hindi language for farmers and they can sell their fruits and vegetables directly to businesses and they can get 20% better prices. प्रधानमंत्री ने कहा कि एक स्टार्टअप से औसत 12 लोगों को रोजगार मिलता है। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने और स्टार्टअप उत्पादों की सरकारी खरीद के लिए नियमों को आसान बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनोवेशन का माहौल बनाने के लिए अटल टिंगरिंग लैब को बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पिछले 4 साल में 1200 से ज्यादा पेट्रोल पंप अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दिए गए हैं, जबकि 2014 से पहले महज 400 पेट्रोल पंप दिए गए थे। पेट्रोलियम मंत्री आज नरेंद्र मोदी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों का कल्याण सरकार की प्राथमिकताएं हैं। पेट्रोल पंप के आवंटन में 22.5% आरक्षण का प्रावधान है। पिछले 4 साल में 445 पेट्रोल पंप इस वर्ग को दिया गया था, आज वो 1201 में पहुंची है, लगभग 3 गुना उसमें इंप्रूव हुई है। ऐसे ही एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हमारी पहले की 4 साल में 909 उपलब्धि था, 909 SC ST कैटेगरी की मित्रों को LPG डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था, वो आज बढ़ के 1295 यानी 1295 लगभग 1300। प्रवासी भारतीयों के साथ विवाह से जुड़ी समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं के लिए सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए ये बात कही। मेनका गांधी ने कहा कि मंत्रालय ने महिलाओं को बढ़ते हुए अपराधों से बचाने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों के साथ विवाह के बाद कई मामले ऐसे आते हैं जहाँ महिलाओं को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए सरकार एक पोर्टल व्यवस्था शुरू करने जा रही है जहाँ किसी भी NRI को भारत में शादी करने से पहले पंजीकरण कराना होगा। नियम तोड़ने वालों को के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई के लिए भी प्रावधान करने जा रही है। मेनका गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को अपने मंत्रालय की बड़ी सफलता करार दिया। नारी सुरक्षा और सम्मान को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मेनका गांधी ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में जल्द सजा सुनिश्चित कराने के मकसद से सरकार ने चंडीगढ़ में फॉरेंसिक लैब स्थापित की है और जल्द देश में ऐसी कई लैब शुरू की जाएंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स टेकन एक्शन इन दिस साइट। अगर कोई औरत को एक NRI आकर के झूठ से शादी कर ले और फिर वहां से गायब होने की कोशिश करे
If the woman can complain to us, we have a committee of three people, MEA, MHA, and WCD. And three JSs meet regularly. As you know, 2 weeks ago, we confiscated 5 passports of different times, different things. And बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुंबई में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ती दूरियों को देखते हुए इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। अमित शाह संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत मुंबई में जानी मानी हस्तियों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुंबई में मोदी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित से मुलाकात की। इस मौके पर माधुरी दीक्षित के पति श्रीराम नेने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। मुंबई में उद्योगपति रतन टाटा से भी मुलाकात की। संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत बीजेपी नेता जानी मानी हस्तियों से मुलाकात कर रहे हैं और केंद्र की एनडीए सरकार की 4 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों से मिल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कल नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके लिए प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर संघ के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पूर्व राष्ट्रपति कल संघ शिक्षा वर्ग के तृतीय वर्ष समापन समारोह में प्रमुख अतिथि होंगे। प्रणब मुखर्जी के भाषण पर सबकी नजरें होंगी। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शुमार रहे हैं। वो 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति पद पर रहे। और जिस रेशम मैदान में ये समारोह हो रहा है वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय और ये है यहाँ का रेशम बाग ग्राउंड। 7 जून को देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी यहाँ संबोधित करेंगे। ये तृतीय वर्ष जो पूर्ण कर चुके जो यहाँ के जो छात्र हैं वो यहाँ से निकलते हैं और दीक्षांत समारोह यहाँ पर होगा इसी रेशम बाग ग्राउंड में 7 जून को, जब यहाँ प्रणब मुखर्जी होंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर प्रणब मुखर्जी, जो कि कांग्रेस के ट्रबल शूटर माने जाते थे और कई बार उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूर्व में आलोचना भी की है, तो यहाँ आकर क्या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुताबिक कोई बात कहते हैं या फिर वो अपने मन की बात कहते हैं, सबकी निगाहें इस पर हैं। राजनीतिक दलों से लेकर कई कांग्रेसी नेताओं ने इस उनकी यहाँ पर आने का विरोध जताया है, लेकिन अलग अलग राजनीतिज्ञों ने यह भी कहा है कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए कि आखिर वो यहाँ पर आकर क्या कहते हैं। तो निगाहें सबकी इसी ओर लगी हुई हैं, इसी रेशम बाग ग्राउंड में, जब यहाँ पर प्रणब मुखर्जी आएंगे और अपना यहाँ पर भाषण देंगे इस तृतीय वर्ग के जो समापन समारोह है उसके दीक्षांत समारोह में। लेकिन निश्चित तौर पर देश की राजनीति का ये एक बड़ा क्षण है और एक बड़ा मोड़ है जहाँ पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। नागपुर के रेशम बाग ग्राउंड से अरुण सुरेश के साथ पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे। नागपुर में आरएसएस कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी होंगे शामिल। क्यों आरएसएस ने बनाया प्रणब मुखर्जी को मुख्य अतिथि? क्यों कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं प्रणब दा से कार्यक्रम में ना जाने का अनुरोध? देखिए देश देशांतर आरएसएस के मंच पर प्रणब बाबू रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने के 15 दिन बाद मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। बेंगलुरु में राज्यपाल वजूभाई वाला ने राजभवन में सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिन 25 मंत्रियों को शामिल किया गया है उनमें 14 कांग्रेस और 9 जेडीएस के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा बीएसपी के एकमात्र विधायक एन महेश भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, उन्हें जगह मिली है। ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश से बाहर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कर्नाटक में शामिल हुई है। मंत्रिमंडल में जो बड़े चेहरे हैं उनमें एचडी कुमार स्वामी के भाई एचडी रेवन्ना, कांग्रेस विधायक डीके शिवकुमार, चामुंडेश्वरी से पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हराने वाले जीटी देवगौड़ा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सरकार में एकमात्र महिला सदस्य कांग्रेस की एमएलसी जयमाला है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल में 27 सदस्य हो गए हैं। कर्नाटक में अभी 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं। We are forming one coordination committee
whatever decision we have to take, we'll take it in common minimum program which we are going to formulate. According to that, our government will run. To develop my state, whatever the positive direction I have to take, for that actually we are abide for that direction. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसानों और युवाओं के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। मंदसौर गोलीकांड के एक साल पूरा होने पर बुधवार को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पिपलिया मंडी पहुंचे और खोखरा में पार्टी की तरफ से आयोजित किसान समृद्धि संकल्प रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को फसलों की सही कीमत देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। कर्ज माफी पर राहुल गांधी ने किसानों को आश्वासन दिया कि जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगले 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। राहुल गांधी ने किसानों के लिए राज्य में फूड चेन और फूड प्रोसेसिंग यूनिट तैयार किए जाने की बात भी कही। रोजगार के मसले पर राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अभी भी अधूरा है। रैली से पहले राहुल गांधी ने मंदसौर घटना के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। अपने भाषण में राहुल गांधी ने ये भरोसा भी दिलाया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर पीड़ित परिवारों को 10 दिन के भीतर न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हम आपका दर्द, आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं और हमारे सामने सिर्फ 2 लक्ष्य हैं। एक, हिंदुस्तान के किसान की रक्षा और दूसरा हिंदुस्तान के युवाओं का रोजगार। हम यही 2 चीजों पर अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे और मध्य प्रदेश को बदल डालेंगे। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इन आरोपों को खारिज किया है कि केंद्र ने 15 शीर्ष उद्योगपतियों का 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। फेसबुक पर पोस्ट में अरुण जेटली ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का एक भी पैसा माफ नहीं किया है और दिवाला कानून बनने के बाद कर्ज नहीं चुकाने वालों को कंपनी के निदेशक मंडल से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को अधिकतर कर्ज यूपीए सरकार में मिला था। उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी 2011 में शुरू हुई और इसका पता एनडीए सरकार में चला। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और 4वीं तिमाही के आंकड़ों से ये साफ हो गया है। वी आर वर्किंग 1000 times मोर फॉर द फार्मर्स कंपेयर टू व्हाट राहुल गांधी गवर्नमेंट और द कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज डूइंग इन द यस्टर ईयर्स। एट द सेम टाइम राहुल गांधी जी इज लाइंग एट द स्पीड ऑफ 2000%। दिस इज द डिफरेंस between what Mr. Rahul Gandhi has been saying and what we have been doing. हम सरकार में 2014 में आए, उससे पहले भारतवर्ष में मोबाइल की कंपनी कितनी थी? मात्र 2 मोबाइल कंपनियां थी। और जब हम सरकार में आए, 4 वर्षों के अंदर 2 से हम कहां तक पहुंचे? 2 से हम 120 कंपनी तक पहुंचे। ये होता है काम करने का जज्बा। आप मेड इन मंदसौर चाहते थे, मेड इन इंडिया को लाने वाले कोई थे तो उनका नाम श्री नरेंद्र मोदी ही है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से बुधवार को सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में 4 घंटे तक पूछताछ की। उनसे आईएनएक्स मीडिया में 305 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल पूछे गए। मंजूरी के वक्त पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व वाले आईएनएक्स मीडिया में जाँच एजेंसी ने विदेशी निवेश में धांधली का आरोप लगाया है। चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर इस मामले में कथित रूप से 10 लाख रुपये घूस लेने का आरोप है। कार्ती को इस आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। पूछताछ के बाद पी चिदंबरम ने कहा कि FIR में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। इससे पहले मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदंबरम से एयरसेल मैक्सिस सौदे में करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज किया था। ईडी ने 12 जून को उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश में जुटे आतंकी संघर्ष विराम को नाकाम करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि रमज़ान के पवित्र महीने में चल रहा सीज फायर अच्छे परिणाम दे रहा है, लेकिन आतंकवादी इसे नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सीज फायर से लोगों को भारी राहत मिली है, बावजूद इसके आतंकवादी हिंसक गतिविधियाँ जारी रखे हुए हैं और हताशा में इस प्रक्रिया को नाकाम करने की कोशिश में हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि दहशतगर्दों को जल्द ही उनके कामों की व्यर्थता का एहसास हो जाएगा। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर दौरे से 1 दिन पहले आई है। और राजनाथ सिंह गुरुवार और शुक्रवार को घाटी के दौरे पर हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह अधिकारियों से मुलाकात कर रमजान के दौरान सीज फायर के फैसले की समीक्षा करेंगे। साथ ही उन पीड़ितों से भी मिलेंगे जो सीमा पार से बार बार होने वाली गोलीबारी का शिकार हुए हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह अधिकारियों से
के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि घाटी में शांति बहाली के लिए और कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल रमजान महीने की शुरुआत से आतंकी सेना और जम्मू कश्मीर के नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। इसमें ग्रेनेड हमला और गोलीबारी शामिल है। बीते एक हफ्ते में घाटी में ग्रेनेड हमले में एक दर्जन से ज्यादा इस तरह की वारदात हुई है। उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों और मंदिरों पर हमले की धमकी के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एडीजीपी आनंद कुमार के मुताबिक 29 मई को लश्कर ए तैयबा के कमांडर मौलाना अबू शेख ने उत्तर रेलवे को चिट्ठी भेजकर यह धमकी दी थी। इसमें सहारनपुर और हापुड़ रेलवे स्टेशनों को उड़ाने के साथ ही मथुरा और वाराणसी में मंदिरों पर हमले की धमकी दी गई थी। चिट्ठी में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी हमले की चेतावनी दी गई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन से कड़ी चौकसी बरतने और संदिग्धों पर नज़र रखने का निर्देश दिया गया है। ट्रेन से यात्रा के लिए निकलने वाले कम ही मुसाफिरों को पता होगा कि अब तय सीमा से ज़्यादा सामान ले जाना मुसीबत का कारण बन सकता है। ऐसा करने पर यात्रियों को 6 गुना ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि ज़्यादा सामान ले जाने के पहले अतिरिक्त भुगतान किया जा सकता है। रेल के सफर में आदतन ज्यादा सामान ले जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने खतरे की घंटी बजाई है। रेल नियम के मुताबिक यात्रियों को तय सीमा से अधिक लगेज ले जाने पर 6 गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। भारतीय रेल चेकिंग अभियान के जरिए लगातार 2 हफ्ते तक यात्रियों के सामान पर नजर रखकर उन्हें जागरूक करेगी। बहुत ज़्यादा कंप्लेन हो रहा था कि समर रस में जब छुट्टियों में फैमिली चल रही है, बच्चे चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही थी चलने में। उसको देखते हुए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया है हम लोगों ने। अवेयरनेस कैंपेन का मतलब है कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप कितने लगेज तक ले जा सकते हैं फ्री में, लोगों को मालूम चले, और उसे ज़्यादा अगर ले जा रहे हैं तो दूसरे को इनकन्वीनियंस होगा, इसलिए उसे ज़्यादा सामान ना ले जाएं। रेलवे के इस फैसले पर यात्रियों की राय मिली जुली है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक बिजनेसमैन है या वेंडर है, वो अपना सारा ही जो उसने ट्रांसपोर्ट करना है वो ट्रेन में ही कर रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस लगेज है तो बिल्कुल होना चाहिए। समटाइम्स लोग बहुत ज़्यादा लगेज कैरी करते हैं तो जिनको बैठना है उनको जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, जो नॉर्मल पैसेंजर है। हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन सफ़र कर रही है वो विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, और गांव में कोई नज़दीक के रेलवे स्टेशनों में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि जहाँ पे पार्सल बुकिंग काउंटर हो, लोग जाके अपने सामान को बुक करें, या ऐसा कुछ नहीं होता। और जो इनके पेनल्टी का सिस्टम है 3 गुना या 4 गुना, उससे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर कुली का काम करने वालों का कहना है कि इस फैसले से उनकी आमदनी घटेगी। हमारे लिए काम कम होगा, यहाँ पे पहले ही बहुत काम कम है। एस्केलेटर, लिफ्ट वगैरह लगने से, सामान में व्हील लगने से बहुत काम कम हो गया, और ये जो नया रेलवे ने कदम उठाया इससे हमारे लिए काफ़ी नुकसान होगा। फिलहाल फर्स्ट एसी में एक यात्री 70 किलो, सेकंड एसी में 50 किलो, फर्स्ट क्लास नॉन एसी में 50 किलो, थर्ड एसी में 40 किलो, एसी चेयर कार में 40 किलो, स्लीपर क्लास में 40 किलो और सेकंड क्लास में 35 किलो सामान ले जाया जा सकता है। आने वाले समय में रेल मंत्रालय आरक्षित टिकट के पीछे लगेज की मात्रा प्रिंट करवाने पर विचार कर रहा है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। मिजोरम के राज्यपाल के राजशेखरन ने बुधवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली में उपराष्ट्रपति आवास पर हुई। राज्यपाल ने इस मुलाकात पर खुशी जाहिर की। दक्षिण अफ्रीका यात्रा पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को फिनिक्स सेटलमेंट का दौरा किया। ये वही स्थान है जहां महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान रहे थे और अहिंसा का सिद्धांत अपनाया था। इस सेंटर की स्थापना भारत सरकार ने की है। सुषमा स्वराज ने यहां एक पौधा भी लगाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज डर्बन में रामकृष्ण मिशन के सेंटर भी गईं। यहां उन्होंने महात्मा गांधी के विचार और सिद्धांतों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा प्रकृति के सम्मान की बात की। अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें तो महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक तो दे सकती है लेकिन आपके लालच को पूरा नहीं कर सकती। इसीलिए वो कहते थे उतना लो प्रकृति से जितना चाहिए, वो देती रहेगी, लेकिन अगर आप लालची हो गए और आपने प्रकृति को नष्ट करना शुरू किया तो वो एक दिन तुम्हें नष्ट कर देगी।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।